तो दोस्तों फाइनली हम लेकर आ चुके हैं रेपो सिक्स के बारे में अपडेट जी हाँ दोस्तों ये जो मूवी है हमें कन्फर्म देखने को मिलने वाली है क्या है अपडेट सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बलाइकित नबा कर इसे पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे दोस्तों इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं रेम्बो लास्ट ब्लड ए एड्रियन ग्रुनबर्ग द्वारा निर्देशित 2019 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है पटकथा डैन गॉर्डन और स्टेलोन की कहानी से मैथ्यू सिरुलनिक और सिल्वेस्ट स्टेलोन द्वारा सहलिखित थी और ये लेखक डेविड मॉडल द्वारा उनके उपन्यास फर्स्ट ब्लड के लिए बनाए गए चरित्र जॉन रेम्बो पर आधारित है रेम्बो दो की अगली कड़ी ये रेम्बो फ्रेंचाइज की पांचवीं किस्त है और इसमें स्टेलोन रेम्बो की भूमिका में है उनके साथ पाज वेगा सर्जियो पेरिस मैंचेटा एड्रियाना बैराजा येवेटे मोन्ड्रियल जिनी किम उर्फ येना हान जोक्विन कोसियो और ऑस्कर जेनाडा हैं फिल्म में रेम्बो अपनी गोद ली हुई भतीजी को बचाने के लिए मैक्सिको की यात्रा करता है जिसे मैक्सिकन कार्टेल द्वारा अपहरण कर लिया गया है और वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है 2008 के बाद से पांचवीं फिल्म की योजना की बार बार घोषणा की गई विभिन्न पुनरावृत्तियों को विकसित और रद्द किया गया फिल्म की अंततः मई 2018 में घोषणा की गई जिसमें ग्रुनबर्ग निर्देशन से जुड़े थे मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में बल्गेरिया और स्पेन में शुरू हुई और दिसंबर 2018 में समाप्त हुई मई 2019 में अतिरिक्त फोटोग्राफी के साथ ब्रांड टायलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए रेम्बो लास्ट ब्लड को 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था इसकी पटकथा लेखन ग्राफिक हिंसा और मैक्सिको के प्रति नस्लवादी और जेनोफोबिक रवैये के आरोपों के साथ आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन एक्शन दृश्यों और स्टैलोन के प्रदर्शन को उनकी वापसी के लिए प्रशंसा मिली मुख्य भूमिका नौ दस फिल्म ने 50 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट और 30 मिलियन डॉलर की प्रिंट और विज्ञापन लागत के मुकाबले दुनिया भर में इक्यानवे मिलियन डॉलर की कमाई की कथानक बर्मा की घटनाओं के 11 साल बाद वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रेम्बो अपने मृत पिता के घोड़ा फार्म में बोवी एरिजोना में रहते हैं जिसे वह अपने पुराने दोस्त मारिया बेल्ट्रॉन और उनकी पोती गैब्रियल के साथ प्रबंधित करते हैं वो उन्हें बताती है कि उसकी दोस्त गिजेल को गैब्रिएलर के मृत पिता मैनुअल मैक्सिको में मिला था उनके विरोध के बावजूद गैब्रियलर गुप्त रूप से मैक्सिको की यात्रा करती है जहां गिजेल उसे मैनुअल के अपार्टमेंट में ले जाती है जब वो उससे पूछती है कि उसने गैब्रिएला और उसकी मां का क्यों छोड़ दिया तो उसने बेरुखी से खुलासा किया कि उसने कभी उनमें से किसी की भी परवाह नहीं की गिजेल दुखी गैब्रियलर को पास के एक क्लब में ले जाती है जहां मैक्सिकन कार्टेल के प्रवर्तकों द्वारा उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण कर लिया जाता है गैब्रियल के लापता होने के बारे में जानने के बाद रेम्बो मैक्सिको चला जाता है और गैब्रियल के ठिकाने के बारे में मैनुअल और गिजेल दोनों से पूछताछ करता है गिजेल अनिच्छा से रेम्बो को उस क्लब में ले जाती है जहां गैब्रियलर को आखिरी बार देखा गया था और रेम्बो का सामना एल फ्लैको से होता है जिसने आखिरी बार गैब्रियल से बात की थी एक रहस्यमय महिला कामेनडेल गाडो रेम्बो का पीछा करती है क्योंकि एल फ्लैको उसे गैब्रियलर के कथित स्थान पर ले जाता है भाइयों ह्यूगो और विक्टर मार्टिनेज के नेतृत्व वाले काटिल द्वारा रैम्बो का सामना किया जाता है उसे पीटा जाता है और उसे चिन्हित किया जाता है वे उसके ड्राइवर का लाइसेंस ले लेते हैं जिसमें खेत के स्थान और गैब्रियलर की एक तस्वीर का खुलासा करते हैं जिसे विक्टर पहचानता है रेम्बो के कार्यों के कारण काटिल गैब्रियलर के साथ और अधिक दुर्व्यवहार करने की कसम खाता है कामिन रेम्बो को वापस अपने घर ले जाती है जहां वो उसकी तब तक देखभाल करती है जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता इस बीच गैब्रियलर को बार बार हेरोइन की खुराक दी जाती है और यौन गुलामी के लिए बेच दिया जाता है कामिन का कहना है कि वह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो मार्टिनेज भाइयों की जांच कर रही हैं जिन्होंने उनकी बहन का अपहरण और हत्या कर दी थी बाद में रैम्बो ने एक विशालय पर छापा मारा और कई लोगों को मार डाला जब तक कि उसे नशे में धुत गैब्रियलर नहीं मिल गई घर जाते समय रेम्बो पिछले दस वर्षों से ऊ से आशा और अर्थ देने के लिए गैब्रियलर को धन्यवाद देता है लेकिन ओवरडोज से उसकी मृत्यु हो जाती है क्रोधित रैम्बो ने मारिया को दूर भेज दिया टकराव के लिए खेत को मूर्ख जाल से घेर लिया और बाद में विक्टर को खोजने में कामेन की मदद मांगने के लिए मैक्सिको लौट आया कामेन ने शुरू में मना कर दिया रेम्बो से कहा कि इससे कुछ हल नहीं होगा लेकिन उसके दुख और निराशा के लिए अपील करने के बाद वह आश्वस्त हो गई रैम्बो ने विक्टर के घर पर छापा मारा गार्डो को मार डाला और विक्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया प्रतिशोध में ह्यूगो हिटमैन के एक समूह को रेम्बो के खेत में ले जाता है जहां प्रत्येक बूबी ट्रैप का शिकार हो जाता है अंत में ह्यूगो को बचाते हुए रेम्बो अपने बोवी चाकू का उपयोग करता है उसकी छाती को चीरता है और उसके दिल को चीर देता है इसके बाद कमजोर रेम्बो अपने पिता के घर के बरामदे पर बैठ जाता है और लड़ाई जारी रखने और अपने प्रियजनों की यादों को जीवित रखने की कसम खाता है क्रेडिट के दौरान पिछली फिल्म मोह में रेमबो की लड़ाइयों के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें रेम्बो अपने घोड़े पर काठी बांधता है और सूर्यास्त की ओर चला जाता है कास्ट करें मुख्य लेख रेम्बो पात्रों की सूची जॉन रेम्बो के रूप में सिल्वेस्टर स्टेलोन कामिन डेलगाडो के रूप में पास वेगा। ह्यूगो मार्टिनेस के रूप में सर्जियो पैरिस मैंचेटा मारिया बेल्ट्रॉन के रूप में एड्रियाना बर्राजा गैब्रियल बैल्ट्रॉन के रूप में येवेटे मोन्ियल जिनी किम ओर्फियेना हानबार संरक्षक के रूप में डॉन मैनुअल के रूप में जोकिन कोसियो पासकासियो लोपेज एल फ्लाको के रूप में विक्टर मार्टिनेज के रूप में ऑस्कर जेनाडा गिजेल के रूप में फेनेसा पिनेडा मैनुअल के रूप में माको डेलाओ डॉन मिगुएल के रूप में रिक जिंगेल डॉक्टर सर्जियो के रूप में मैनुअल उरिजा, लोला लौरा के रूप में मिर्का प्रीतो एलेजांद्रा के रूप में शीला शाह बेकी के रूप में जेसिका मैटसिन मैनुअल की पत्नी के रूप में उर्सुला मुरायामा मैन वेश्यालय के रूप में ल्यूबोमर निकोव विस्तारित कट के शुरुआती दृश्य में लुई मैंडिलो और आरोन कोहेन ने क्रमशः शैरिफ और राज्य पुलिस कप्तान की भूमिका निभाई उत्पादन विकास और लेखन फरवरी 2008 में सिल्विस्ट स्टेलोन ने खुलासा किया कि पांचवी फिल्म बनाना चौथी फिल्म की सफलता पर निर्भर करेगा उन्होंने कहा कि वह एक तैयारी कर रहे थे और यह काफी अलग होगी 11 मार्च 2008 में स्टेलोन ने खुलासा किया कि वह रेम्बो वी लिखने का काम आधे अधूरे तरीके से कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह एक और युद्ध फिल्म नहीं होगी जिसमें बल्गेरिया को एरिजोना में रेम्बो के घर के रूप में भी माना जाता है एक दो एक तीन एक चार फरवरी 2009 में स्टेलोन ने खुलासा किया कि वह पांचवीं फिल्म के साथ आगे बढ़ रहे थे लेकिन उन्होंने कहा संघर्ष ये है कि इसे अमेरिका में किया जाए या किसी विदेशी देश में पंद्रह अगस्त 2009 में मिलेनियम फिल्म्स ने स्टेलोन के लेखन निर्देशन और अभिनय के साथ फ़िल्म को हरी झंडी दे दी उस समय कथानक अमेरिका मैक्सिको सीमा के पास अपहृत एक युवा लड़की को बचाने के लिए मानव तस्करों और ड्रग माफियाओं से जूझ रहे रैम्बो पर केंद्रित था 16 सितंबर 2009 में स्टेलोन ने खुलासा किया कि फ़िल्म का नाम वी द सेवेज हंट था और यह जेम्स बायन हगिन्स के उपन्यास हंटर पर आधारित होगी रेम्बो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कथानक को फिर से तैयार किया गया था जो एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर प्राण का शिकार करने और उसे मारने के लिए एक विशिष्ट विशेष बल की हत्या टीम का नेतृत्व कर रहा था सत्रह न्यू इमेज मिलेनियम फिल्म्स ने एक कॉन्सेप्ट आर्ट पोस्टर और द सेवेज हंट का आधिकारिक सारांश जारी किया अठारह हालांकि नवंबर 2009 तक कथानक स्टेलोन द्वारा लिखी गई कहानी पर वापस आ गया था जिसमें रैम्बो का अपहरण कर ली गई एक लड़की को बचाने के लिए मैक्सिकन सीमा पार करना शामिल था उन्नीस मई २०१० में स्टेलोन ने खुलासा किया कि उन्होंने इस किरदार को पूरा कर लिया है उन्होंने कहा मुझे लगता है कि रैम्बो ने बहुत अच्छा काम किया है मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ होगा मुझे लगभग निन्यानवे प्रतिशत यकीन है कि मैं इसे करने जा रहा था लेकिन मुझे लगता है कि रॉकी बालबोआ के साथ वो किरदार पूरा हो गया वो घर चला गया लेकिन रेम्बो के लिए एक और साहसिक कार्य पर जाना मुझे लगता है भाड़े के इशारे के रूप में ग़लत समझा जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है मैं ऐसा नहीं चाहता घटित होना बीस ट्वेंटी टेन के कांस फिल्म फेस्टिवल में मिलेनियम फिल्म्स और न्यू इमेज ने हैंडआउट पोस्टर कार्ड के साथ फिल्म का विज्ञापन किया जिसका नाम अब रैम्बो वी है इक्कीस इसके बावजूद स्टेलोन ने कहा कि वो बनाए गए पोस्टरों में शामिल नहीं थे और स्टूडियो ने उनसे कहा था कि यदि वो फिल्म नहीं बनाते हैं तो वे इसे पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढ लेंगे उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी खत्म हो जाए और उन्होंने इस विचार से सहजता व्यक्त की 22. 2011 में, शॉन हूड को रेम्बो लास्ट स्टैंड नामक एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने फर्स्ट ब्लड के छोटे शहर की थरिले के अनुरूप बताया तेईस दो में हुड ने खुलासा किया कि स्टेलोन द्वारा द एक्सपेंडेबल्स दो को खत्म करने के लिए वी को रोक दिया गया था हुड ने इस बात पर भी अपनी अनिश्चितता प्रकट की कि क्या फिल्म अनफॉगेवन या पासिंग ऑफ द टॉर्च के समान होगी 24 अगस्त 2013 में यह घोषणा की गई थी कि एंटरटेनमेंट वन और न्यू इमेज स्टेलोन के साथ एक रेम्बो टीवी श्रृंखला का विकास और निर्माण करेंगे 25 जून 2014 में जर्मन फिल्म कंपनी स्प्लैंडेड फिल्म्स ने पुष्टि की कि स्टेलोन ने रैम्बो वी के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है जिसे उन्होंने नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के समान बताया 26 सितंबर 2014 में फिल्म का आधिकारिक नाम रैम्बो लास्ट ब्लड रखा गया जिसमें स्टेलोन भी निर्देशक के रूप में कार्यरत थे सत्ताईस 2015 में स्टैलोन और रैम्बो निर्माता लेखक डेविड मॉरिल ने रैम्बो वी के लिए कहानी फिर से लिखी स्टेलोन उस किरदार के लिए एक भावपूर्ण यात्रा चाहते थे जिसे लेखक ने वास्तव में भावनात्मक शक्तिशाली कहानी बताया है स्टेलोन ने यह विचार निर्माताओं के सामने रखा लेकिन वे इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे और स्टेलोन और मॉरेल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया 28 अक्टूबर 2015 में स्टेलोन ने एक प्रीक्वल प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा ये पता लगाना दिलचस्प है कि लोग कैसे और क्यों बन गए हैं वियतनाम में होने के आघात हानि और त्रासदी निश्चित रूप से होगी एक युवा अभिनेता के लिए यह एक बड़ी चुनौती है और यह विडंबना ही होगी कि रेम्बो 20 वर्षों से अधिक समय तक अभिनय करने के बाद युवा रेम्बो का निर्देशन करता है 29 जनवरी 2016 तक स्टेलोन ने कहा कि रेम्बो वी उत्पादन में प्रवेश नहीं करेगा तीस प्री प्रोडक्शन मई दो में फिल्म को शुरू में रेम्बो वी के रूप में विकसित करने की फिर से घोषणा की गई जिसमें मुख्य फोटोग्राफी सितंबर में निर्धारित की गई थी इस बात की पुष्टि की गई थी कि यह साजिश रैम्बो पर केंद्रित थी जो अपने परिवार के एक सदस्य के अपहरण के बाद मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से मुकाबला कर रही थी इकतीस स्टेलोन ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की जिसमें वह मैथ्यू सिरुलनिक के साथ सह लेखन भी करेंगे उस समय उन्होंने निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्य करने में अनिश्चितता व्यक्त की थी बत्तीस तैंतीस अगस्त 2018 में एड्रियन ग्रुनबर्ग को निदेशक के रूप में घोषित किया गया था 34 सितंबर 2018 में एड्रियाना बैराजा को कलाकारों में जोड़ा गया 35 अक्टूबर 2018 में पांच वेगा 36 येवेटे मॉन्ड्रियल 37 सर्जियो पेरिस मैंचेटा 38 ऑस्कर जेनाडा और जोकिन कोसियो उनतालीस को कास्ट किया गया मई 2019 में लुई मैंडिलो शीला शाह दिमित्री वेगास और जिनी किम उर्फ येनाहान को बिना किसी पूर्व घोषणा के कास्ट किए जाने का खुलासा हुआ था चार शून्य चार एक चार दो फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 अक्टूबर 2018 को बल्गेरिया में शुरू हुई तैतालीस चौवालीस पहले यह 1 सितंबर 2018 को शुरू होने वाला था चार पांच छियालीस और उससे पहले 27 अक्टूबर 2014 को श्रेविपोर्ट लुइजियाना में सैतालीस अड़तालीस बैराजा ने अपने दृश्य टेनरिफ कैनरी द्वीप में फिल्माए 35 मुख्य फोटोग्राफी 4 दिसंबर 2018 को पूरी हुई उनचास अतिरिक्त फोटोग्राफी मई 2019 के अंत में हुई पचास इक्यावन संगीत रेम्बो लास्ट ब्लड ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक फिल्म स्कोर द्वारा ब्रांड टाइलर जारी किया 20 सितंबर 2019। स्टूडियो स्लोवाक रेडियो कॉन्सर्ट हॉल लंबाई पचहत्तर शून्य लेबल झील के किनारे निर्माता ब्रांड टायलर जो लिसान्ति ब्रांड टायलर कालक्रम तैयार है या नहीं मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक दो हजार उन्नीस रेम्बो लास्ट ब्लड ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक दो हजार उन्नीस एंजल्स ओरिजिनल मोशन पिक्चर स्कोर दो हजार उन्नीस ब्रांड टायलर जिन्होंने रेम्बो और द एक्सपेंडेबल्स स्त्री स्टालोन के लिए रचना की रेम्बो लास्ट ब्लड स्कोर करने के लिए लौट आए टाइलर ने ड्रेड सेंट्रल के साथ अपनी स्कोरिंग प्रक्रिया साझा की रेम्बो लास्ट ब्लड एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है और संगीत को उस स्वर को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है जिसे निर्देशक एड्रियन ग्रोनबर्ग ने इतनी खूबसूरती से सेट किया है मैंने हार्दिक और भावुक विषयों की एक श्रृंखला लिखी है जो परिवार न्याय न्याय और करुणा के लिए रेम्बो की इच्छा को प्रतिध्वनित करती है इन विचारों ने एक तानवाला तनाव पैदा किया जो एक संगीतकार के रूप में चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद दोनों था रसीले तार विशाल पीतल गड़गड़ाहट की थाप नाजुक पियानो और कष्टप्रद तुरही युगलहानी, अफसोस आशा और प्रतिशोध के विषयों को प्रतिध्वनित करते हैं इस कालजयी चरित्र के लिए रचना करना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है रेम्बो लास्ट ब्लड 2019। इस फिल्म रेम्बो लास्ट ब्लड में बर्मा की घटनाओं के 11 साल बाद वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रेम्बो अपने मृत पिता के घोड़ा फार्म में बोवी एरिजोना में रहते हैं जिसे वह अपने पुराने दोस्त मारिया बैल्ट्रॉन और उनकी पोती गैब्रियल के साथ प्रबंधित करते हैं गैब्रियल ने रेम्बो को बताया कि उसकी एक दोस्त गिजेल ने गैब्रियल के जैविक पिता मैनुअल को मैक्सिको में पाया है रेम्बो और मारिया की इच्छा के विरुद्ध गैब्रियल गुप्त रूप से यह पूछने के लिए मैक्सिको चली जाती है कि मैनुअल ने वर्षों पहले गैब्रियल और उसकी मां को क्यों छोड़ दिया था गिजेल गैब्रियल को मैनुअल के अपार्टमेंट में ले जाती है जहां वो उसे बताता है कि उसने गैब्रियल या उसकी मां की कभी परवाह नहीं की गिजेल दुखी गैब्रियल को एक स्थानीय क्लब में ले जाती है जहां मैक्सिकन कार्टेल के प्रवर्तकों द्वारा गैब्रियल को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण कर लिया जाता है इस बीच मारिया रेम्बो को गैब्रियल के लापता होने की सूचना मैक्सिको को देती है रेम्बो मैक्सिको की यात्रा करता है और गैब्रियल के ठिकाने के बारे में मिगुएल और गिजेल दोनों से पूछताछ करता है रेम्बो को गिजेल अनिच्छा से उस क्लब में ले जाती है जहां गैब्रियल को आखिरी बार देखा गया था और उसका सामना एल फ्लैको से होता है जिसने आखिरी बार गैब्रियल से बात त की थी एक रहस्यमय महिला कामेन डेलगाडो रेम्बो का पीछा करती है और एल फ्लैको उसे गैब्रियल के स्थान तक ले जाता है भाइयों ह्यूगो और विक्टर मार्टिनेस के नेतृत्व वाले काटिल द्वारा रेम्बो का तुरंत सामना किया जाता है उसे पीटा जाता है और चिन्हित किया जाता है वे उसके ड्राइवर का लाइसेंस ले लेते हैं जिसमें खेत के स्थान का खुलासा होता है और गैब्रियल की एक तस्वीर होती है जिसे विक्टर पहचानता है रेम्बो के कार्यों के कारण काटेल ने गैब्रियल के साथ और अधिक दुर्व्यवहार करने की कसम खाई कामिन रेम्बो को वापस अपने घर ले जाती है जहां वो उसकी तब तक देखभाल करती है जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता कामिन खुद को एक स्वतंत्र पत्रकार बताती है जो अपनी बहन के अपहरणकर्ताओं और हथियारों मार्टिनेज भाइयों की जांच कर रही थी रेम्बो ने बाद में वेश्यालयों में से एक पर छापा मारा और कई लोगों को मार डाला जब तक कि उसे नशे में धुत गैब्रियल नहीं मिल गया घर वापस जाते समय रेम्बो ने गैब्रियल को दस साल तक आशा देने के लिए धन्यवाद दिया इससे पहले कि वो ज़बरदस्ती ओवरडोज से मर जाए क्रोधित होकर रे मबो ने मारिया को दूर भेज दिया और टकराव के लिए खेत में जाल बिछा दिया और बाद में विक्टर को खोजने में कामेन की मदद मांगने के लिए मैक्सिको लौट आया कामेन ने शुरू में मना कर दिया यह विश्वास करते हुए कि इससे कुछ भी हल नहीं होगा लेकिन रैम्बो द्वारा अपने दुख और निराशा की अपील करने के बाद वो आश्वस्त हो गई रैम्बो ने विक्टर के घर पर छापा मारा कई गार्डो को मार डाला और विक्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया प्रतिशोध में ह्यूगो हिटमैन के एक समूह को रैम्बो के खेत में ले जाता है जहां प्रत्येक धांधली के जाल का शिकार हो जाता है अंत में ह्यूगो को बचाते हुए रेम्बो ने बदला लेने के लिए उसका अंग भंग कर दिया और उसका दिल चीर दिया इसके बाद कमजोर रेम्बो अपने पिता के घर के बरामदे पर बैठ जाता है और लड़ाई जारी रखने और अपने प्रियजनों की यादों को जीवित रखने की कसम खाता है क्रेडिट के दौरान रेम्बो अपने घोड़े पर काठी बांधता है और सूर्यास्त की ओर चला जाता है जॉन रेम्बो को सिनेमा के इतिहास में सबसे खून के प्यासे एक्शन हीरो में से एक माना जाता है फिल्म समीक्षक लाशों की एक तरह की उल्टी गिनती भी रखते हैं ये देखते हुए कि फिल्म दर फिल्म इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है लेखक जॉन मुलर के अनुसार जॉन रेम्बो द्वारा व्यक्तिगत रूप से मारे गए लोगों की संख्या एक फिल्म फर्स्ट ब्लड में सत्तर फिल्म रेम्बो दो अठहत्तर फिल्म रेम्बो तीन में तक बढ़ जाती है और अंत में 125 अंतिम रेम्बो फिल्म में साथ ही फिल्म दर फिल्म लाशों और हिंसा के दृश्यों की कुल संख्या भी बढ़ती जाती है फिल्म फर्स्ट ब्लड में एक लाश फिल्म रेम्बो इव में दो सौ पचानवे ग्यारह पांचवी फिल्म में रेम्बो ने छियालीस लोगों की हत्या कर दी थी बारह यदि हम इन फिल्मी तथ्यों में मडॉक डोजियर फिल्म रेम्बो दो से उनसठ पुष्टि की गई हत्याओं के बारे में जानकारी जोड़ते हैं जो रेम्बो ने वियतनाम में की थी अर्थात साहित्य और बड़े पर्दे पर दिखाई देने से पहले भी तो ये पता चला कि जॉन रेम्बो ने कम से कम तीन लोगों को मार डाला भविष्य फर्स्ट ब्लड का एक बॉलीवुड रीमेक 2019 में अक्टूबर 2020 में रिलीज होने वाला था जिसमें टाइगर श्रॉफ को रेम्बो की भूमिका में लिया गया था और रेम्बो फ्रेंचाइज की सभी पांच फिल्मों के हिंदी रीमेक में अभिनय करने की उम्मीद थी तेरह 2019 कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान स्टेलोन ने कहा कि अगर पांचवीं फिल्म सफल होती है तो वो रैम्बो का किरदार निभाना जारी रखेंगे चौदह हालांकि ग्रुनबर्ग ने कहा कि रेम्बो लास्ट ब्लड सर्कल को बंद कर देता है उम्मीद है कि इससे फिल्म श्रृंखला समाप्त हो जाएगी 15 सितंबर 2019 में स्टेलोन ने पुष्टि की कि उनके पास श्रृंखला के प्रीक्वल की योजना है हालांकि वह शीर्षक भूमिका दोबारा नहीं निभाएंगे वो ये जानना चाहेंगे कि युद्ध से पहले रेम्बो कौन था मैं हमेशा रेम्बो के बारे में सोचता था जब वो सोलह या सत्रह साल का था मुझे आशा है कि वे प्रीक्वल बना सकते हैं वो सबसे अच्छा व्यक्ति था जिसे आप पा सकते थे वह टीम के कप्तान थे वो स्कूल में सबसे लोकप्रिय बच्चा था सुपर एथलीट वो जिम थोरपे की तरह था और युद्ध ने उसे बदल दिया यदि आपने उसे पहले देखा था तो वो एक आदर्श व्यक्ति जैसा था 16. स्टेलोन ने रेम्बो को छठी रेम्बो फिल्म के लिए भारतीय आरक्षण में शरण लेने में रुचि व्यक्त की है 17 जून 2020 में स्टेलोन ने इस विचार को संक्षेप में बताते हुए कहा अगर मैंने कभी दूसरा किया तो मुझे लगता है कि वह भारतीय आरक्षण पर वापस चला जाएगा जिस पर वो बड़ा हुआ था क्योंकि उसका भारतीय परिवार है 2022 तक वहां कोई रेम्बो छह नहीं होगा 18 मई 2018 में मिलेनियम फिल्म्स रुचि और बिक्री उत्पन्न करने के लिए इस परियोजना को कांस में लेकर आई बत्तीस टेलोन ने सत्यापित किया कि जैसे ही फिल्म रिलीज के करीब आएगी वह अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से तस्वीरें और वीडियो साझा करेंगे तिरपन चौवन फरवरी 2019 में स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर रेम्बो के गोद लिए हुए परिवार पचपन युद्ध इतिहास छप्पन और चरित्र गैब्रियल के अपने पिता को खोजने के लिए मैक्सिको की यात्रा करने के इरादे की तस्वीरें साझा की सत्तावन मार्च 2019 में स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से रेम्बो की खून से लथपथ और उसके हस्ताक्षरित धनुष पर निशाना साधते हुए एक तस्वीर का खुलासा किया अठावन मई 2019 में ये पता चला कि स्टैलोन 24 मई 2019 को पैलेस डेस फेस्टिवल्स एट डेस कांग्रेस में फ़िल्म की एक विशेष फर्स्ट लुक स्क्रीनिंग के साथ मेल खाने के लिए कांस में विशेष छवियां प्रस्तुत करेंगे उनसठ पहला ट्रेलर था 24 मई 2019 को कांस में खुलासा किया गया साठ टीज़र ट्रेलर 30 मई 2019 को जारी किया गया था इकसठ और इसकी तुलना लोगान और अनफॉगिवन से की गई बासठ टीजर के लिए ओल्ड टाउन रोड गाने का रीमिक्स संस्करण इस्तेमाल किया गया था तिरसठ एक अगस्त 2019 को स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर नाटक किया रिलीज पोस्टर का खुलासा किया चौंसठ बीस अगस्त 2019 को स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरा ट्रेलर जारी किया पैंसठ चार सितंबर 2019 को अलामो ड्राफ्ट हाउस सिनेमा ने घोषणा की कि वह रैम्बो लास्ट ब्लड की रिलीज के उपलक्ष्य में सभी पांच रेम्बो फिल्मों की मैराथन की मेजबानी करेगा छियासठ डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि ए लागत 30 मिलियन डॉलर से कम थी चार नाट्यशास्त्रीय रेम्बो लास्ट ब्लड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था सड़सठ दादी ने चीनी वितरण अधिकार खरीदे और आठ आंकड़ा सह वित्तपोषण सौदे पर सहमति व्यक्त की अड़सठ तीस जुलाई 2019 को एमपीएए ने फिल्म को आर रेटिंग दी उनहत्तर ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने फिल्म को 18 में वर्गीकृत किया सत्तर यह फिल्म 26 जून 2020 को गागा कॉरपोरेशन द्वारा जापान में नाटकीय रूप से रिलीज की गई थी इकहत्तर अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लायंस गेट ने रेम्बो लास्ट ब्लड के दो अलग अलग नाटकीय कट जारी किए जो देश के अनुसार अलग अलग थे संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में फिल्म नवासी मिनट तक चलती है ऑस्ट्रेलिया मेक्सिको, स्वीडन ब्राज़ील फिनलैंड जर्मनी बहत्तर और जापान इकहत्तर में यह 101 मिनट चलती है बाद वाले संस्करण में कई हटाए गए दृश्य और एक वैकल्पिक उद्घाटन शामिल है जो लगभग 10 मिनट चलता है ये बचाव के बीच में एक तूफानी बारिश में शुरू होता है तीन लापता पैदल यात्रियों को बाढ़ में फंसने का खतरा है पुलिस का कहना है कि उन्हें तलाशी रोकनी होगी क्योंकि यह बहुत ख़तरनाक होती जा रही है और पूछना होगा कि घोड़े पर सवार स्वयंसेवक कहाँ है फिर हमें जंगल में पैदल यात्रियों पर नज़र रखने वाले रेम्बो से मिलवाया जाता है वो एक लड़की को मृत पाता है और फिर नीचे अन्य दो को पाता है वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक आदमी अपनी पत्नी के बिना नहीं जाएगा रेम्बो उसे बताता है कि वो मर चुकी है लेकिन वो भाग जाता है बाढ़ का पानी नीचे की ओर बहने लगता है और रेम्बो खुद को और लड़की को एक चट्टान से बांध देता है जबकि पानी का शुरुआती प्रवाह उनके ऊपर से गिरता है फिर वो लड़की के साथ बेस पर लौटता है और उस लड़के को देखता है जो अपना बॉडी बैग एम्बुलेंस में लादकर भाग गया था जिससे उसका पीटीएसडी शुरू हो गया लड़की उसे धन्यवाद देती है और रेम्बो घर लौटता है और घर में रहने वाली बूढ़ी महिला के साथ बातचीत करता है वो कब लौटे और कैसे उनके पिता बाहर रॉकिंग चेयर पर बैठते थे फिर वो घटनाओं से स्पष्ट रूप से पर शान होकर सुरंगों में चला जाता है और द डोर्स पर एक सीडी डालता है जब उसके पास सुरंगों में पीटीएसडी फ्लैशबैक होता है तो यह मृत यात्री के साथ जुड़ा होता है तीन वैकल्पिक शुरुआत के बाद फिल्म रैम्बो को उसके खेत में ले जाती है क्योंकि यह चुनिंदा उत्तरी अमेरिकी देशों और यूके में शुरू होती है तिहत्तर होम मीडिया रैम्बो लास्ट ब्लड को 3 दिसंबर 2019 को डिजिटल पर रिलीज किया गया था लायंस गेट होम एंटरटेनमेंट द्वारा 17 दिसंबर 2019 को अल्ट्रा को अल्ट्राएचडी ब्लू रे ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था बेस्ट बाय ने चार के यूएचडी रिलीज के लिए एक रिटेल एक्सक्लूसिव स्टील बुक जारी की चौहत्तर यह फिल्म कई हफ्तों तक रेडबॉक्स के डिस्क रेंटल और ऑन डिमांड चार्ट में शीर्ष पर रही है सात पांच सात छह सात सात अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जिसका शीर्षक रेम्बो लास्ट ब्लड एक्सटेंडेड कट है मई 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी किया गया था अठहत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डीवीडी ने 10 डॉलर मिलियन कमाए और ब्लू रे ने घरेलू वीडियो बिक्री से 16 डॉलर और 60 सेंट मिलियन कुल मिलाकर 26 डॉलर और 60 सेंट मिलियन की कमाई की उन्यासी स्वागत बॉक्स ऑफिस रेम्बो लास्ट ब्लड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चौवालीस डॉलर और अस्सी सेंट मिलियन और अन्य क्षेत्रों में छियालीस डॉलर और सत्तर सेंट मिलियन की कमाई की साथ ही दुनिया भर में कुल पचानवे डॉलर और दस सेंट मिलियन की कमाई की जबकि इसका उत्पादन बजट पचास डॉलर मिलियन था पांच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म को एड एस्ट्रा और डाउनट एबे के साथ रिलीज किया गया था और अपने शुरुआती सप्ताहांत में तीन थिएटरों से तेईस डॉलर पच्चीस मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था अस्सी फिल्म ने शुक्रवार को सात दशमलव एक सात मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन के एक दशमलव तीन मिलियन डॉलर भी शामिल हैं इक्यासी इसने पहली बार उन्नीस मिलियन डॉलर की कमाई की तीसरे स्थान पर रही और श्रृंखला की दूसरी सबसे अच्छी शुरुआत रही चार फिल्म में अपने दूसरे सप्ताहांत में आठ डॉलर और साठ सेंट मिलियन और तीसरे में तीन डॉलर छह मिलियन की कमाई की और क्रमशः छठे और आठवें स्थान पर रही बयासी तिरासी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रोटेन टोमाटोज पर फिल्म को एक समीक्षाओं के आधार पर छब्बीस प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग चार बटा दस है साइट की आलोचनात्मक सर्वसम्मति में कहा गया है इसके पहले के सीक्वल की तरह रेम्बो लास्ट ब्लड अपने मुख्य चरित्र की एक बार की मार्मिक कहानी की कीमत पर खूनी हिंसा में शामिल होने के लिए तैयार है चौरासी मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 26 का स्कोर दिया जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है पिचासी सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक क्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने इसे औसतन पांच में से तीन दशमलव पाँच स्टार और छप्पन प्रतिशत निश्चित अनुशंसा दी चार रैम्बो चरित्र के चित्रण को जांच के दायरे में रखा गया था लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए लिखते हुए केनेथ तुरान ने फिल्म को चार में से तीन स्टार दिए और कहानी में रैम्बो की आश्चर्यजनक रूप से चिंतनशील परीक्षा की सराहना की निश्चित रूप से रैम्बो आश्वस्त है जब वह बुरे लोगों से कहता है मैं जा रहा हूं तुम्हें बहुत बुरा दुख पहुंचा है लेकिन एक प्रकार की कमजोरी भी है जो हमें इस बात को लेकर चिंतित करती है कि लोग उसे चोट पहुंचाएंगे छियासी पीटर डेब्रूज ने वैरायटी के लिए एक नकारात्मक समीक्षा लिखी ये चरित्र र विरोधाभासों का मिश्रण है जो एक तरफ उस स्थायी क्षति का प्रतिनिधित्व करता है जो सैन्य सेवा किसी की आत्मा को कर सकती है साथ ही यह भी सुझाव देती है कि आदर्श सैनिक कैसा दिखता है एक आईजीएन के लिए फिल्म को दस में से चार पांच रेटिंग देते हुए विटनी सीबोल्ड ने अफसोस जताया एक चरित्र जिसे मूल रूप से उस नुकसान के प्रतीक के रूप में खड़ा होना था जो युद्ध एक सैनिक को पहुंचा सकता है अब उसे एक अचूक मानव मशीन गन के रूप में याद किया जाता है लेकिन स्टेलोन को भागी वारंट के अनुसार भावपूर्ण प्रदर्शन देने के लिए प्रबंधन का श्रेय दिया सतासी स्टेलोन और मैथ्यू सिरुलनिक की स्क्रिप्ट को प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं मिली द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा में फ़्रैंक स्कैच ने कहा कि यह पूरी तरह से अव्यवस्थित और सामान्य लगता है एक उचित विदाई की तुलना में रैम्बो टेलीविजन श्रृंखला के लिए पायलट की अधिक याद दिलाता है लेकिन स्टेलोन को एक फ़्रेंचाइजी को बचाए रखने का श्रेय दिया गया अठासी शिकागो ट्रिब्यून की केटी वॉल्श जिन्होंने फिल्म को चार में से एक स्टार दिया ने स्क्रिप्ट को बिल्कुल एक स्क्रिप्ट और लेखन को आलसी कहा उन्होंने कहा कि कहानीकार स्टेलोन और डैन गॉर्डन आप जानते हैं वास्तव में ऐसे चरित्र लिखने के बजाय आरोपित कल्पना का व्यापार करते हैं जो मानवीय नैतिकता के स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं नवासी ब्लडी डिस्गिस्टिंग के विलियम बिबियानी ने कहा कि स्क्रिप्ट को इसके निम्नतम सामान्य भाजक तक सीमित कर दिया गया है पात्रों को जल्दी से स्थापित किया गया है और फिर उन्हें एक सरल कथानक में डाल दिया गया है कहने का मतलब है रेम्बो मानकों द्वारा भी सरल और फिल्म को रेटिंग दी गई पांच में से एक फाइव नब्बे फ़िल्म को इंडिवाए के लिए डी जोड़ ग्रेड देते हुए एरिक कोहन ने कहा कि एक सह लेखक के रूप में स्टैलोन छिपे हुए इशारों के माध्यम से रैम्बो के लिए सहानुभूति पैदा करने में एक अच्छा काम करता है लेकिन लास्ट ब्लड ये साबित करने के लिए आगे बढ़ जाता है कि उसने ऐसा करने की कोशिश की है एक बेहतर इंसान बनो इक्यानवे जबकि कई लोगों ने लास्ट ब्लड के कथानक को टेकन का व्युत्पन्न कहा आठ सात नौ शून्य नौ एक वैब आधारित आलोचक जेम्स बेराडिनेली ने इसे फर्स्ट ब्लड के जाल निर्माण के कुछ कॉल बैक के साथ डेथ विश संस्करण कह बानवे आलोचकों ने एक्शन दृश्यों की क्रूरता से भयभीत होने की सूचना दी कुछ ने इसकी तुलना एक श्लेष फिल्म से की सतासी तिरानवे बैराडिनेली ने कहा शवों की संख्या बेहद अधिक है और मौत के तरीके हेलोवीन या फ्राइडे द तेरह वे सीक्वल के योग्य हैं और फिल्म को चार में से एक स्टार दिया बान्वे डिब्रूज ने हिंसा को भयानक दिल दहला देने वाला नरसंहार कहा और फिर भी इसे प्रशंसकों से खुशी और उत्साह बढ़ाने के लिए कैलिब्रेट किया गया है जिन्होंने रैम्बो के विकास के साथ ईमानदारी से पालन किया है एक अप्रोक्स के विंस मैंसनीना कहा यह वास्तव में इतना भयावह है कि मुझे विश्वास है कि वास्तविक जीवन के काटिल वीडियो हैं जो प्रतिद्वंद्वियों की यातना का जश्न मना रहे हैं जो कम रक्तरंजित हैं लेकिन उन्होंने फ़िल्म को अवश्य देखने की सिफ़ारिश की चौरानवे इसके विपरीत न्यूयॉर्क पोस्ट के जॉनी ओलेक्सिंसकी ने कहा रेम्बो लास्ट ब्लड में साल का सबसे हिंसक फिल्म दृश्य है यह अद्भुत है लेकिन लगा कि कथन नाटक और घिसी पिटी कहानी को संपादित किया जा सकता था पचानवे ऑफ गीक के डंकन बाउल्स ने इसे पाँच में से तीन स्टार देते हुए लिखा यदि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो रेम्बो को हथियार चलाते धनुष चलाते हुए या बूबी को हेराफेरी करते हुए देखकर खुशी से रोना चाहते हैं जाल तो फिल्म वास्तव में आपके लिए नहीं है लेकिन यदि आप अपने पसंदीदा चरित्र के नरसंहार के ठोस प्रदर्शन की तलाश में हैं तो इसमें बहुत कुछ है छियानवे कई लोगों ने लास्ट ब्लड के चरमोत्कर्ष को होम अलोन के समान देखा जिसे इसके विपरीत पीजी रेटिंग दी गई है आठ 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 नौ नौ पांच मैक्सिको में अपराध का चित्रण और अपराधियों के रूप में अधिकांश मैक्सिकन और लैटिनो के रूढ़िवादी चित्रण ने आलोचकों को फिल्म पर नस्लवाद जेनोफोबिया और ट्रंप राष्ट्रपति पद के समर्थकों को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया नौ एक शून्य आठ सात नौ सात द गार्जियन के पीटर ब्रडश्योर ने लास्ट ब्लड को एक फिल्म का बड़े पैमाने पर बड़ा हुआ प्रोस्टेट कहा है जो आपको केवल इसके खराब अभिनय वाले गेरोन्टो अल्ट्रावायेंट्स मैक्सिकन बलात्कारियों की ट्रंपियन कल्पनाओं से विचलित कर सकता है और हास्यास्पद रूप से असुर क्षित अमेरिकी सीमा और बलात्कार बदला हमलों के लिए इसका अत्यधिक उत्साह इसे पांच में से एक स्टार दिया गया अट्ठानवे सीबोर्ड ने लिखा मैं समझता हूं कि रेम्बो फिल्में शायद ही कभी सांस्कृतिक एकजुटता का गढ़ रही हों लेकिन 2019 में ये व्यापक रूढ़िवादिता आक्रामक और पुरानी और पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है सतासी कोहन ने लिखा 2019 के अति संवेदनशील सांस्कृतिक माहौल में हत्यारे मैक्सिकन अपराध मालिकों और उनके काय यौन दासों का एक शाब्दिक सफ़ेद उद्धारकर्ता से सामना करने का चित्रण इतना आसान नहीं है इक्यानवे रो जरेबट कॉम के दूरदराज के संवाददाता मैक्सिकन फिल्म समीक्षक गेराडो वेलेरो ने भी मैक्सिको के लिए स्पेन के दोहरीकरण के उपयोग की आलोचना की और कहा कि मैक्सिकन ध्वनि की कोशिश करने वाले स्पेनिश अभिनेताओं के इस समूह पर हंसना असंभव था इस अजीब लहजे में हर दूसरे शब्द के साथ कोसते हुए उन्होंने ये भी लिखा अगर यह फ़िल्म इतनी मूर्खतापूर्ण नहीं होती तो शायद मुझे ये सब आपत्तिजनक लगता निन्यानवे हालांकि रूढ़िवादी खलनायकों के बारे में शिकायतों को संबोधित करते हुए बाउल्स ने लिखा खलनायक पिछले वर्षों की शुद्ध शुद्धपुर ई के रूढ़िवादी तनाव से बनाए जा सकते हैं लेकिन उनकी निंदनीयता ही विस्फोटक भुगतान का काम करती है और कुछ विशेष रूप से हिंसा के बावजूद हिंसा करती है विकट क्षण भाग ईव से कभी भी अत्यधिक पेट मंथन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते छियानवे रेम्बो चरित्र के निर्माता और फर्स्ट ब्लड उपन्यास के लेखक डेविड मॉरल ने ट्वीट किया कि उन्हें लास्ट ब्लड नापसंद है उन्होंने इसे गड़बड़ कहा और इसके साथ अपना नाम जुड़ने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं वन हंड्रेड ने बाद में न्यूज वीक को बताया थिएटर छोड़ने के बाद मुझे अपमानित और अमानवीय महसूस हुआ इस नई फिल्म में भावपूर्ण होने के बजाय एक कमी है मुझे लगा कि इसे देखने के कारण मैं कम इंसान हूं और आज यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संदेश है ट्रैकडाउन उन्नीस सौ के दशक की अति हिंसक शोषण वाली ग्राइंड हाउस फिल्मों की खासियत है जिसकी तकनीक रेम्बो लास्ट ब्लड से मिलती जुलती है यहां सेट सस्ते लगते हैं दिशा अजीब है रेम्बो को जॉन स्मिथ कहा जा सकता है और फिल्म नहीं बदलेगी यह माना जाता है कि दर्शक रेम्बो की पृष्ठभूमि से परिचित है जबकि 40 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित होगा कि उन सुरंगों के साथ पृथ्वी पर क्या हो रहा है सौ विश्लेषण द एस्केपिस्ट के डैरन मोनी ने लिखा रेम्बो ने अपने पारिवारिक फार्म के नीचे विस्तृत सुरंगों का निर्माण करके वियत कांग्रेस की पद्धति को अपनाया है 102 स्क्रीन रेंट के जैक वोजनार ने कहा कि रेम्बो की सुरंगें कूची की तुलना में बहुत बड़ी और अधिक स्वच्छतापूर्ण हैं लेकिन कल्पना तुलनीय है उन्होंने आगे कहा कि वे जहां वह अपने राक्षसों को रखता है जहां वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है और जहां वह अपने अतीत को करीब रखता है लेकिन समाहित रखता है फिल्म के अंतिम अभिनय के लिए वोजनारना कहा कि उसकी पीटीएसडी सुरंगें उसके बदला लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लिखते हुए उसी गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करते हुए जो संभवतः पचास साल पहले उस पर और उसके दोस्तों पर इस्तेमाल की गई थी रेम्बो उभर कर सामने आया अपनी सुरंगों से जैसे कोई वियतनामी लड़ाकू मकड़ी के बिल से बाहर निकलता है कई लक्ष्यों पर गोली चलाता है और फिर भूमिगत रूप से गायब हो जाता है इससे पहले कि उन्हें पता चले कि उन्हें क्या झटका लगा है सभी पांच फिल्मों में रेम्बो का किरदार सिल्विस्टर स्टेलोन ने निभाया है एनिमेटेड टीवी श्रृंखला में चरित्र को नील रॉस ने आवाज़ दी है काल्पनिक जीवनी रेम्बो लास्ट ब्लड के अनुसार चरित्र का पूरा नाम जॉन रेम्बो है और उसका जन्म 12 अप्रैल 1950 को बॉवी एरिजोना में हुआ था उसके पिता रीविस रेम्बो 1922-2000 और मां हेल्ग रेम्बो 1926-1969 थे जैसा कि रैम्बो लास्ट ब्लड में रैम्बो के खेत की कब्रों पर दिखाया गया है रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट दो में उसे मूल अमेरिकी और जर्मन वंश का बताया गया है पात्र मेजर मार्शल रोजर टी मर्डॉक कहता है भारतीय और जर्मन मूल का यह एक अद्भुत संयोजन है फिल्म के उपन्यासीकरण से पता चलता है कि उसके एक इतालवी पिता और एक नवाजो माँ है जॉन की भतीजी शर्लीन भी काफी मशहूर हैं रेम्बो 6 अगस्त 1964 को 17 साल की उम्र में अमेरिकी सेना में भर्ती हुआ हालांकि उसने रेम्बो में कहा कि उसे वियतनाम में भर्ती कर लिया गया 1965 में रेंचफोर्ड हाँ स्कूल से स्नातक होने के बाद उनकी सैन्य सेवा जनवरी 1966 में शुरू हुई रेम्बो को सितंबर 1966 में दक्षिण वियतनाम में तैनात किया गया था वो उन्नीस में अमेरिका लौट आए और उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में अमेरिकी सेना के विषय श बलों के साथ प्रशिक्षण शुरू किया कर्नल सैमुअल ट्रॉटमैन के संरक्षण में उन्नीस के अंत में रेम्बो को एसओजी ब्रिगेड के सदस्य के रूप में वियतनाम में फिर से तैनात किया गया वो कर्नल ट्रॉटमैन की कमान वाली विशेष बलों की लंबी दूरी की टोही गश्ती इकाई का हिस्सा बन गए ट्रॉटमैन की टीम को बेकर टीम का कोड नाम प्राप्त हुआ और इसमें आमतौर पर आठ लोग शामिल होते थे अन्य ज्ञात सदस्य थे डेलमर बैरी एक काला गुर्गा जो जल्द ही रेम्बो का सबसे अच्छा दोस्त बन गया जोसफ जॉय डैनफोर्थ रेम्बो का एक और दोस्त मैनुअल लोको ओर्टेगा पॉल मेस्नर डेलबर्ट क्रैखाउर ग्यूसेप ग्रीसी कंटकोलेटा और राल्फ जोर्गिनसन एक ऐसी घटना में जो रेम्बो को जीवन भर परेशान करती रहेगी डेनफोथ की रेम्बो की बाहों में मृत्यु हो गई जब उनकी यूनिट आराम और स्वास्थ्य लाभ के समय पर थी एक कठोर शुशाइन बॉक्स से गंभीर रूप से घायल होने के बाद नवंबर 1971 में एक मिशन के दौरान रेम्बो की इकाई पर एनवीए बलों द्वारा अचानक हमला किया गया डेलमार रेम्बो और कुछ अन्य जीवित सदस्यों को उत्तरी वियतनामी सेना ने चीनी वियतनामी सीमा के पास पकड़ लिया और एक पाओ शिविर में रखा जहां कई अन्य अमेरिकी पाओ को कैद किया गया और बार बार प्रताड़ित किया गया कठिन परीक्षा के दौरान रेम्बो की इकाई नष्ट हो गई लेकिन डेलमार और रेम्बो मई उन्नीस में कैद से भागने में सफल रहे और रेमबो को तुरंत उनके अनुरोध पर फिर से तैनात किया गया अपने सैन्य करियर में किसी समय उन्होंने है लीलिकॉप्टर उड़ाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया रेम्बो को अंततः 27 सितंबर 1974 को अपनी आधिकारिक सैन्य छुट्टी मिल गई नौ उनकी अंतिम रैंक ज्ञात नहीं है लेकिन उनकी आर्मी अल्फा ड्रेस ग्रीन वर्दी के लैपेल पर पार किए गए तीर अधिकारी प्रतीक चिन्ह को देखते हुए यह मान लेना सुरक्षित है कि वह या तो प्रथम लेफ्टिनेंट या कैप्टन था संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर रेम्बो को पता चला कि कई अमेरिकी नागरिक वियतनाम से लौटने वाले सैनिकों से नफ़रत करते थे और उन्होंने दावा किया कि उन्हें और अन्य लौटने वाले सैनिकों को युद्ध विरोधी हिप्पियों द्वारा अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जिन्होंने उन पर कचरा फेंका कहा जाता है उन्हें बच्चों का हत्यारा कहा गया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया वियतनाम और स्वदेश में उनके अनुभवों के परिणामस्वरूप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का एक चरम मामला सामने आया साथ ही आत्म पहचान और चिंतनशीलता के आंतरिक प्रश्नों ने रेम्बो को कठिन परिस्थितियों को सभ्य तरीके से संभालने के बजाय समाज पर हमला करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया था पहला रक्त इसी बिंदु से शुरू होता है पहला रक्त उपन्यास उन्नीस फर्स्ट ब्लड उपन्यास में रेम्बो होप वाशिंगटन में हिचहाइकिंग कर रहा है उसे पुलिस प्रमुख टीजल ने उठाया और शहर की सीमा पर छोड़ दिया बार बार वापस आने पर रेम्बो को टीजल द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और स्टेशन ले जाया जाता है उस पर आवारागर्दी और गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप लगाया गया और उसे 35 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई गई ठंडी गीली छोटी छोटी कोठरियों के अंदर फंसने के कारण रेम्बो को वियतनाम में युद्धबंदी के दिनों की याद आ जाती है और वो पुलिस से लड़ता है क्योंकि वे उसके बाल काटने और उसक मुंडन करने की कोशिश करते हैं एक आदमी की पिटाई करते हैं और दूसरे को सीधे उस तरह से काटते हैं उसे मार डालो वह भागता है मोटरसाइकिल चुराता है और पास के पहाड़ों में छिप जाता है वह एक तलाशी अभियान का केंद्र बिंदु बन जाता है जिसके परिणामस्वरूप कई पुलिस अधिकारियों नागरिकों और नेशनल गार्ड्समैन की मौत हो जाती है डैन गॉर्डन हिब्रू जन 5 मई उन्नीस एक इजरायली अमेरिकी पटकथा लेखक टेलीविजन लेखक टेलीविजन निर्माता टेलीविजन निर्देशक फिल्म निर्माता उपन्यासकार नाटककार फिल्म निर्देशक और इजरायल रक्षा बलों में रिजर्व ड्यूटी कप्तान हैं एक पटकथा लेखक के रूप में उन्होंने व्याटयप पैसेंजर सत्तावन मर्डर इन द फर्स्ट और द हरिकेन सहित फिल्में लिखी हैं और रेम्बो लास्ट ब्लड के लिए कहानी विकसित की है एक वो 200 घंटे से अधिक टेलीविजन के निर्माता पटकथा लेखक और कहानी संपादक रहे हैं जिनमें हाईवे टू हेवन हाईलैंडर और सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून इंक शामिल हैं दो उन्होंने टर्म्स ऑफ एंडीमेंट और रेनमैन के मंच रूपांतरण भी लिखे हैं तीन चार और उनकी पटकथाओं के साथ साथ गाजा युद्ध में लड़ने के उनके अपने अनुभवों पर आधारित उपन्यास पांच जीवनी प्रारंभिक जीवन डैन गॉर्डन का जन्म दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक यहूदी परिवार में हुआ था वो बेल गार्डन सीए में पले बढ़े और 16 साल की उम्र में इसराइल चले गए जहां उन्होंने गिनेगर किबुत्स में हाई स्कूल में पढ़ाई की पांच छह स्कूल के बाद वो दक्षिणी कैलिफोर्निया लौट आए और एक फिल्म और टेलीविजन प्रमुख के रूप में यूसीएलए में स्थानांतरित होने से पहले एक साल के लिए ईस्ट एल जूनियर कॉलेज में अध्ययन किया सात फिल्म और टेलीविजन करियर यूसीएलए में रहते हुए डैन ने अपना लिखा एक अभिनय नाटक वंस आई वॉज को यूनिवर्सल स्टूडियो में एक फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने उसे एक लेखक के रूप में नियुक्त किया लेकिन स्टूडियो के अध्यक्ष ल्यू वासरमैन ने उन्हें कार्यालय की आपूर्ति चुराने के आरोप में निकाल दिया था साथ उन्नीस में गॉर्डन ने अपनी लिखी पटकथा पर आधारित फिल्म पोटलक का निर्देशन शुरू किया उन्होंने फिल्म परमिट प्राप्त किए बिना न्यूयॉर्क में गुरिल्ला शैली में फिल्म की शूटिंग की जैसा कि गॉर्डन को जल्द ही पता चला फिल्म के स्वतंत्र फाइनेंसर माफिया से जुड़े हुए थे हालांकि फिल्म अपने एक लाख डॉलर बजट के अंतर्गत आ रही थी उन्होंने दावा किया कि वित्तपोषण समाप्त हो गया था गॉर्डन और उनके सहयोगियों ने फिल्म को पूरा करने के लिए धन जुटाने की कोशिश की लेकिन माफिया चाहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग योजना के तहत फिल्म विफ ल हो जाए फिल्म कभी खत्म नहीं हुई सात माफिया के डर से पोटलक बनाने की कोशिश के नतीजे के कारण गॉर्डन इजराइल भाग गए जहां उन्होंने इजरायली सेना में सेवा की वहां रहते हुए उन्होंने कैंसस सिटी आर एंड बी बैंड ब्लडस्टोन स्टोन अभिनीत 1975 के पॉप म्यूजिकल ट्रेन राइट टू हॉलीवुड के लिए पटकथा लिखी हालांकि फिल्मांकन से पहले इसे फिर से लिखने के लिए वह कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए आठ एक दशक से अधिक समय के बाद गॉर्डन 1980 के दशक की शुरुआत में अपने पटकथा लेखन करियर को जारी रखने के लिए हॉलीवुड लौट आए सात गॉर्डन को टीवी शो हाईवे टू हेवन उन्नीस सौ चौरासी के लिए मुख्य लेखक के रूप में नियुक्त किया गया था जिसके लिए उन्होंने तीन एपिसोड का निर्देशन भी किया था वो फिल्म और टेलीविजन दोनों के लिए लिखना चाहते थे जो उस समय असामान्य था सात गॉर्डन ने पैसेंजर सत्तावन उन्नीस सौ बानवे व्हाइट ईअप उन्नीस सौ चौरानवे मर्डर इन द फर्स्ट उन्नीस सौ पचानवे द असाइनमेंट उन्नीस सौ सत्तानवे और द हरिकेन उन्नीस सौ निन्यानवे सहित कई पटकथाएं लिखीं छह गॉर्डन के सबसे हालिया काम में रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 के लिए स्टोरी बाय क्रेडिट शामिल है एक उनके नाटक इरेना अजॉफ का प्रीमियर सितंबर 2008 में बारूक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर न्यूयॉर्क में हुआ टोवा फैल्सो अभिनीत यह इरेना गट की सच्ची कहानी है जिसने द्वितीय युद्ध के दौरान बारह यहूदियों को एक तहखाने में छिपा दिया था नौ यह नाटक ब्रॉडवे पर वाल्टर केयर थिएटर में 10 मार्च 2009 से शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर 29 मार्च 2009 को ऑफ ब्रॉडवे के समान कलाकारों के साथ पूर्वावलोकन में शुरू हुआ 10 बैरी मोरो के रेनमैन के उनके मंच रूपांतरण का प्रीमियर 2009 में लंदन के वेस्ट एंड में अपोलो थी एटर में हुआ और बाद में प्राग चैक गणराज्य स्टटगार्ट जर्मनी ब्रसल्स बेल्जियम और यूट्रैक्ट नीदरलैंड में प्रदर्शन किया गया जकी गॉर्डन इंस्टीट्यूट (जेजीआई) गॉर्डन जकी गॉर्डन इंस्टीट्यूट (जेजीआई) के सह संस्थापक हैं जो सेडोना एरिजोना में एक फिल्म स्कूल है संस्थान का नाम उनके सबसे बड़े बेटे जकी गॉर्डन के नाम पर रखा गया है जिनकी उन्नीस में 22 वर्ष की आयु में एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी गॉर्डन संस्थान में अंशकालिक पढ़ाते थे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमेटिक आर्ट्स और यूसीएलए स्कूल ऑफ थिएटर फिल्म और टेलीविज़न में भी पढ़ाते हैं ग्यारह जहां वह अपने बेटे के सम्मान में पटकथा लेखन के छात्रों को वार्षिक पांच डॉलर का पुरस्कार दान करते हैं बारह 2011 में लिबर्टी यूनिवर्सिटी में जकी गॉर्डन सेंटर फॉर सिनेमैटिक आर्ट्स की स्थापना करने के बाद 2012 में उन्होंने जकी गॉर्डन इंस्टीट्यूट छोड़ दिया तेरह गॉर्डन के जाने के बाद एरिजोना में जकी गॉर्डन इंस्टीट्यूट ने अपना नाम बदलकर सेडोना फिल्म स्कूल कर लिया चौदह गॉर्डन टिम बकले के भी करीबी दोस्त थे उन्होंने उनके साथ फुली एयर कंडीशन इनसाइड नामक एक अनफिल्मी फिल्म स्क्रिप्ट पर सहयोग किया था पन्द्रह उन्होंने स्वतंत्र फिल्म में एक बेघर व्यक्ति की भूमिका भी निभाई वेटिंग फॉर मो उन्नीस जिसे उन्होंने अपने बेटे जकी के साथ निर्मित किया जिसने फिल्म लिखी और निर्देशित की वो उन्नीस से डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सदस्य रहे हैं सैन्य करियर गॉर्डन 1970 के दशक की शुरुआत में इजराइली सेना में शामिल हुए उन्होंने लगभग एक दशक तक सेवा की जिसमें उन्नीस का योम किपुर युद्ध भी शामिल था सात उन्होंने 2006 के इजराइल लेबनन संघर्ष के दौरान सैन्य प्रवक्ता इकाई में एक एस्कॉर्ट अधिकारी के रूप में कार्य किया सोलह वह इसराइल रक्षा बल रिजर्व में एक कप्तान हैं छः व्यक्तिगत जीवन गॉर्डन ने अपनी पत्नी जो एन से तब शादी की जब वह इसराइल में था और उन्नीस में उनका तलाक हो गया उनके तीन बेटे जकी योनी और एडम हैं उनके सबसे बड़े जकी की उन्नीस में 22 साल की उम्र में एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई 2019 की गर्मियों के दौरान गॉर्डन ने एक छोटे से निजी समारोह में रोम में लिया डेनमार्क से शादी की गॉर्डन यहूदी हैं और उन्होंने यहूदी और ईसाई धार्मिक सम्मेलनों में मुख्य वक्ता के रूप में काम किया है शहर में एक चरमोत्कर्ष पर जहां टीजल के साथ उसका संघर्ष शुरू हुआ अंततः विशेष बल के कर्नल सैम ट्रॉटमैन दस और टीजल द्वारा रेम्बो का शिकार किया गया टीजल अपने स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके रेम्बो को आश्चर्यचकित करने में सफल हो जाता है और उसके सीने में गोली मार देता है लेकिन जवाबी गोली से वो खुद पेट में घायल हो जाता है फिर वो रेम्बो का पीछा करने की कोशिश करता है क्योंकि वो शहर से बाहर भागने का अंतिम प्रयास करता है इस बिंदु पर दोनों व्यक्ति अनिवार्य रूप से मर रहे हैं लेकिन गर्व और अपने कार्यों को उचित ठहराने की इच्छा से प्रेरित हैं रेम्बो को एक ऐसी जगह मिल गई है जहां वो सहज महसूस करता है अपने शरीर पर डायनामाइट की एक छड़ी विस्फोट करके आत्महत्या करने की तैयारी करता है हालांकि फिर वो टीसल को अपने पीछे चलते हुए देखता है और निर्णय लेता है कि लड़ाई जारी रखना और टीसल की वापसी की आग से मारा जाना अधिक सम्मानजनक होगा रेम्बो टीजल पर गोली चलाता है और उसे आश्चर्य और निराशा होती है वो उसे मार देता है एक पल के लिए वो सोचता है कि कैसे उसने एक अच्छी मौत का मौका गंवा दिया क्योंकि वह अब डायनामाइट जलाने के लिए बहुत कमजोर है लेकिन फिर अचानक उसे उस विस्फोट का एहसास होता है जिसकी उसे उम्मीद थी लेकिन सिर में पेट में नहीं जहां डायनामाइट था रखा है रेम्बो इस बात से संतुष्ट होकर मर जाता है कि उसका उचित अंत हो गया है ट्रॉटमैन मरते हुए टीजल के पास लौटता है और उसे बताता है कि उसने रेम्बो को अपनी बंदूक से मार डाला है कुछ ही क्षण बाद टीजल की घावों के कारण मृत्यु हो जाती है फिल्म उन्नीस नागरिक जीवन में लौटने के बाद दिसंबर उन्नीस में रेम्बो फिल्म फर्स्ट ब्लड दिसंबर उन्नीस में घटित होती है और इसकी शुरुआत रेम्बो से होती है जो अब एक बेघर बेरोजगार आवारा है और अपने पुराने दोस्त डेलमार बैरी की तलाश कर रहा है वह बैरी के घर जाता है लेकिन उसकी मां ने उसे बताया कि बैरी की मृत्यु एजेंट ऑरेंज के संपर्क में आने से हुए कैंसर से हुई है रेम्बो को पता चलता है कि वह अपनी विशेष बल इकाई का अंतिम जीवित सदस्य है यूनिट के सदस्य बैरी वेस्टमोर ब्रॉन्सन डेन्फोथ और ओटेगा अब सभी मर चुके हैं इसके बाद वो वाशिंगटन के छोटे से शहर होप की यात्रा करता है ये फ़िल्म होप ब्रिटिश कोलंबिया में फिल्म आई गई थी जिसका प्रमाण शहर का संकेत है जहां उसकी लंबे समय की वजह से शहर के अहंकारी और दुर्व्यवहार करने वाले शेरिफ़ विल टीज़ल की नज़र उस पर पड़ती है बिखरे बाल आर्मी जैकेट और कुल मिलाकर मैला कुचैला रूप टीजल जल्द ही उसे उठा लेता है और उसे शहर के किनारे तक ले जाता है और उसे खाना देने से इनकार कर देता है रेम्बो केवल कुछ खाने के लिए चाहता था जबकि वह शराबियों और परेशानी पैदा करने वालों के प्रति अपनी पूर्वाग्रही नापसंदगी पर जोर देता है रेमबो अभी भी भूखा है उतारे जाने के लगभग तुरंत बाद शहर में वापस चलना शुरू कर देता है और टीसल उसे फिर से देख लेता है इस बार उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है और स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाता है रेम्बो की खोज करते समय टीसल को रेम्बो की जैकेट के नीचे एक बड़ा जीवित चाकू मिलता है स्टेशन पर हेड डिप्टी शेरफ आर्ट गाल्ट रेम्बो की पिटाई करता है और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे परेशान करता है रेम्बो को वियतनाम में अपने समय की याद आने लगती है जब वह एक यातनाग्रस्त युद्धबंदी था जब अधिकारी उसे ड्राई शेव करने का प्रयास करते हैं तो रेम्बो अंततः झपटता है और स्टेशन से बाहर जाने के लिए लड़ता है गैल्ट टीजल और चाकू निकालते समय उसके रास्ते में पकड़े गए प्रत्येक डिप्टी की पिटाई करता है बाहर वह स्टेशन के पास से गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीन लेता है और पास के पहाड़ों में भाग जाता है जबकि टीसले अपनी पुलिस कार में उसका पीछा कर रहा होता है टीजल की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और रैम्बो भाग जाता है टीजल ने अधिक अधिकारियों और एक हेलीकॉप्टर को बुलाया जबकि रैम्बो ने मोटरसाइकिल छोड़ दी और पैदल ही गहरे इलाके में चला गया उसे एक फेंके हुए ट्रक के पास एक पुराना बोरा मिलता है जिसे वह कपड़ों की वस्तु के रूप में उपयोग करता है बाद में आगे बढ़ते पुलिसकर्मियों से बचने की कोशिश करते हैं ए वो खुद को एक चट्टान के शीर्ष पर पाता है और खोजी हेलीकॉप्टर द्वारा उसे यात्री की सीट पर गाल्ट के साथ देखा जाता है गाल्ट ने अपनी राइफल से उस पर कई बार गोलियां चलाईं जिससे रेम्बो को चट्टान से छलांग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह एक पेड़ से टकराकर गिर गया गाल्ट ने ज़मीन पर घायल रेम्बो पर गोलियां चलाना जारी रखा जवाबी कार्रवाई में रेम्बो एक पत्थर फेंकता है और हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड से टकराता है जिससे पायलट नियंत्रण खो देता है और गाल्ट अपना संतुलन खो देता है और गिरकर मर जाता है रेम्बो गाल की बंदूक और रेडियो लेता है अपनी चोटों की देखभाल स्वयं करता है और अंततः ऊपर की चट्टान पर कानूनविदों का सामना करता है रेम्बो चिल्लाकर उनसे कहता है कि गाल्ट की मौत एक दुर्घटना थी लेकिन टीसल ने रेम्बो से कहा कि वे हिले नहीं अन्यथा वे गोली मार देंगे रेम्बो कहता है कि वो और अधिक परेशानी नहीं चाहता है और पीछे हटने लगता है लेकिन आदमी गोलियां चला देते हैं रेम्बो टीसल और उसके साथियों के साथ जंगल में भाग जाता है लोग रेम्बो को पकड़ लेते हैं और ट्रैकिंग कुत्तों को छोड़ देते हैं रेम्बो ने अपनी आखिरी गोलियों से दो और उनके मालिक को पैर में गोली मार दी और दूसरे को अपने चाकू से मार डाला पुरुष बाहर निकलना शुरू करते हैं और रेम्बो का पीछा करते हैं लेकिन रेम्बो गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करके आसानी से उन्हें निष्क्रिय कर देता है रेम्बो प्रत्येक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करता है लेकिन उनमें से किसी को मारता नहीं है एक डिप्टी को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए रेम्बो ब्रश से बाहर निकलता है और टीसल को पकड़ लेता है और अपना चाकू उसके गले पर रख देता है अगर पुलिस ने उसे अकेला नहीं छोड़ा तो उसने टीसल को आगे की कार्रवाई की धमकी दी टीजल ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और राज्य पुलिस और नेशनल गार्ड को शिकार में सहायता के लिए बुलाया गया रेम्बो को प्रशिक्षित करने का श्रेय लेने के लिए कर्नल सैमुअल ट्रॉटमैन जल्द ही आते हैं वो किसी भी प्रतिनिधि को अभी भी जीवित पाकर आश्चर्यचकित है और टीसल को चेतावनी देता है कि स्थिति शांत होने के बाद रैम्बो को जाने देना और उसे ढूंढना सुरक्षित होगा फिर भी हार मानने से इनका र करते हुए टीजल ने ट्रॉटमैन से अपनी स्थिति ठीक करने के लिए अपने चोरी हुए रेडियो पर रैम्बो से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए कहा ट्रॉटमैन अपनी पहचान बताता है और रैम्बो की वियतनाम कंपनी का नाम पुकारता है जिसका रैम्बो जवाब देता है रैम्बो ने खुद को आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और ट्रॉटमैन से कहा उन्होंने पहला खून निकाला मेरा नहीं अंततः रैम्बो को नेशनल गार्ड ने एक परित्यक्त खदान के प्रवेश द्वार पर घेर लिया टीसल को खबर मिलती है कि रेम्बो फंस गया है और गोली न चलाने का आदेश देती है अनु भवहीन गार्ड इसे नजरअंदाज कर देते हैं और उस पर रॉकेट दाग देते हैं विस्फोट से खदान का प्रवेश द्वार ढह गया और वह अंदर ही बंद हो गया लोगों ने मान लिया कि रेम्बो मर गया है लेकिन उसके पीछा करने वालों को इसकी जानकारी नहीं थी कि रेम्बो खदान की सुरंगों में भाग गया है रेमबो को अंततः मुख्य सड़क के पास एक पुराना निकास वेंट मिल जाता है जहां से सैनिक साफ हो रहे हैं रेमबो एक गुजरते सेना ट्रक को अपहरण कर लेता है इस प्रक्रिया में उसके चालक को सड़क पर कूदने के लिए मजबूर करता है और उसे एक गैस स्टेशन से टकराकर शहर लौट आता है वो बिखरे हुए ईंधन को प्रज्वलित करके किसी का भी पीछा करने के लिए राजमार्ग को अवरुद्ध कर देता है अब एम साठ मशीन गन से भारी हथियारों से लैस रेमबो बिजली ट्रांसफॉर्मर को नष्ट कर देता है जिससे शहर की बिजली गुल हो जाती है इस समय तक टीजल कोरा मबो के गुफा से भागने की ख़बर मिल गई थी और उसने शहर की आबादी को सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने का आदेश दिया था रेम्बो एक बंदूक की दुकान को नष्ट करने के बाद स्टेशन की छत पर टीसल को देखता है और अंदर जाने से पहले पुलिस स्टेशन की बिजली निकालकर पुलिस स्टेशन की ओर जाता है टीसल ने रैम्बो को देखा और उस पर फायर किया लेकिन चूक गया रैम्बो ने छत से टीसल पर जवाबी गोली चलाई जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया टीसल रोशनदान से होते हुए फर्श पर गिरती है रेम्बो उसे मारने के लिए तैयार होकर उसके ऊपर चढ़ जाता है इससे पहले कि रेम्बो टीजल को गोली मार सके कर्नल ट्रॉटमैन प्रकट होता है और उससे कहता है कि जीवित बचने की कोई उम्मीद नहीं है अब पुलिस से घिरा हुआ रेम्बो युद्ध की भयावहता घर लौटने पर युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों के घृणित अपमान और स्थिर नौकरी बनाए रखने में असमर्थता के बारे में क्रोधित है टूटते हुए वो तब रोता है जब वह अपने दोस्त जॉय डेनफोर्थ की भयानक मौत को याद करता है वो ट्रॉटमैन को बताता है कि कैसे वे एक बार में थे अपने दोस्त की चेवी के बारे में बात कर रहे थे और उसमें लास वेगास जा रहे था तभी एक लड़का जूतों में फंसा शूशाइन बॉक्स लेकर आया रेम्बो बियर खरीदने के लिए बार में गया था तभी डिब्बा अचानक फट गया जिससे उसके दोस्त के शरीर का निचला हिस्सा फट गया इसके बाद रेम्बो खुद को ट्रॉटमैन के हवाले कर देता है और ट्रॉटमैन के मुक्त हो जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है एक वैकल्पिक अंत है जहां रेम्बो मरना चाहता है और ट्रॉटमैन को उसे मारने के लिए कहता है ट्रॉटमैन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता इसके तुरंत बाद रेम्बो ट्रॉटमैन को एक बंदूक देता है जो ट्रिगर खींचने के लिए आगे बढ़ता है और रेम्बो के पेट में गोली मार देता है रेम्बो बाद में अपने घावों के कारण मर जाता है इसके बाद ट्रॉटमैन रेम्बो के शव को स्टेशन में छोड़कर चला जाता है रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट दो 1985 एटी फाइव में हुई घटना के बाद जूरी ट्रायल के बाद रेम्बो को दोषी पाया गया और उसे एक श्रमिक शिविर जेल में भेज दिया गया तीन साल बाद उन्नीस में जेल में कर्नल ट्रॉटमैन ने उनसे मुलाकात की जिन्होंने उन्हें शीघ्र रिहाई का मौका दिया यदि वो उस शिविर में अमेरिकी युद्धबंदियों की खोज करने के लिए वियतनाम गए जहां से वो उन्नीस में भाग निकले थे राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का वादा किया गया था मिशन सफल होता है रेम्बो स्वीकार करता है और अस्थायी रूप से अमेरिकी सेना में बहाल हो जाता है बाद में उसकी मुलाकात एक आ अमेरिकी नौकरशाह मार्शल मडॉक से होती है जो ऑपरेशन का प्रभारी है वो रेम्बो से कहता है कि उसे केवल युद्धबंदियों की तस्वीरें खींचनी है उन्हें बचाना नहीं है और न ही किसी दुश्मन सैनिक को शामिल करना है रेम्बो अनिच्छा से सहमत है फिर उसे बताया गया कि वियतनाम के जंगलों में अमेरिकी सरकार का एक एजेंट उसे रिसीव करने के लिए आएगा रेम्बो को वियतनामी जंगलों में पैराशूट से उतारा गया है हालांकि, पैराशूटिंग के दौरान वो विमान में फंस जाता है और उसके उपकरण को पकड़ने वाली रस्सी कट जाती है ये रेम्बो को पैराशूटिंग जारी रखने की अनुमति देता है लेकिन इससे उसके पास केवल चाकू धनुष और तीर रह जाते हैं ज़मीन पर उसकी मुलाकात अमेरिकियों के साथ काम करने वाली एक स्थानीय महिला को बाव से होती है वो उसे युद्धबंदी शिविर में ले जाती है जहां वह एक बंदी बैंक्स को बचाने में सक्षम होता है और ऐसा करने की प्रक्रिया में वह अपने धनुष से कई दुश्मन सा निको को मार डालता है फिर तीनों नाव से भाग जाते हैं लेकिन एक बंदूकधारी द्वारा उन पर हमला किया जाता है रैम्बो रॉकेट लॉन्चर से गनबोट को नष्ट कर देता है जब रैम्बो ने निकासी के लिए कहा तो उसे मना कर दिया गया क्योंकि मर्डॉक को डर था कि अगर अमेरिकी जनता को मर्डॉक की गतिविधियों के बारे में पता चला और अमेरिकी सैनिकों को अभी भी बंदी बनाया जा रहा है तो उनका और उनकी पार्टी का क्या होगा रेम्बो और बैंक्स दोनों को पकड़ लिया गया है और शिविर में रूसी सलाहकार जल्द ही रेम्बो से पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं इस बीच सह एक वेश्या के भेष में शिविर में प्रवेश करती है और उस झोपड़ी में आती है जिसमें रेम्बो को बा दी बनाकर रखा जाता है वहां वो रेम्बो को रूसी लेफ़्टिनेंट कर्नल पोडव्स्की और उसके दूसरे कमांड साजेंट युशिन द्वारा प्रताड़ित होते देखती है जो मांग करता है कि अमेरिकी उसके बेस से संपर्क करे और युद्ध अपराधों को कबूल करे युशिन द्वारा बेट स्प्रिंग पर बिजली का झटका लगने और फिर अपने ही चाकू से गाल पर जलने के बाद रेम्बो पोडवस्की की शर्त से सहमत होने का नाटक करता है लेकिन इसके बजाय रेडियो पर मडॉक को बताता है कि वो उसे लेने आ रहा है जिसके बाद वो तुरंत भाग जाता है सह की मदद से वे जंगल में छिप जाते हैं और कंपनी रैम्बो के घावों की देखभाल करती है फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएगा वो सहमत हो जाता है और उसे चूम लेता है लेकिन उन पर कुछ वियतनामी सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है और उनके कमांडर ताई द्वारा कंपनी को घातक रूप से गोली मार दी जाती है सह की मौत से क्रोधित और व्याकुल होकर वो उन सभी को मार डालता है टे को छोड़कर जो भाग जाता है लेकिन बाद में रैम्बो के एक विस्फोटित तीर से मारा जाता है और फिर सह के शरीर को जंगल में दफना देता है शिविर और नदी पर हिंसा के बाद सोवियत और वियतनामी सैनिक रैम्बो को खोजने और मारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जब वे जंगल में रैम्बो का शिकार कर रहे होते हैं तो वो गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करके उनमें से कई को मार डालता है वियतनामी सैनिक रैम्बो का एक गांव में और उसके आसपास पीछा करना जारी रखते हैं वहां लंबी घास के एक टुकड़े में रेम्बो एक बूबी ट्रैप विस्फोट करता है जिससे आग लग जाती है जिससे कई वियतनामी सैनिक जल जाते हैं सैनिकों से दूर भागते समय सोवियत द्वारा पकड़ा गया वह एक ह्यूई हेलीकॉप्टर रेम्बो को ढूंढता है और उसके स्थान पर नेपलम का एक पीपा गिरा देता है पीपा फटते ही रेम्बो एक चट्टान से नदी में गोता लगाता है हेलीकॉप्टर पानी में गोलियां बरसाते हुए उसका पीछा करता है जैसे ही हेलीकॉप्टर गोलियां चलाते हुए पानी के करीब पहुंचता है रेमबो पानी के नीचे से कूद जाता है बंदूकधारी को हेलीकॉप्टर से खींच लेता है और युशिन का सामना करने के लिए उसमें चढ़ जाता है जैसे ही वे हेलीकॉप्टर के अंदर लड़ते हैं वो उड़ जाता है और दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसके पांचवें पार्ट के बारे में तो वो हमें दो में देखने को मिला था और तकरीबन इसके एक तरह से बजट के बारे में बात की जाए तो पचास मिलियन डॉलर का टोटल बजट था और इसने जो कलेक्शन किया था नाइन्टी फाइव पॉइंट वन मिलियन का कलेक्शन किया था जो कि ठीक ठाक है और रिकवरी भी ठीक ठाक थी लेकिन इतना कुछ खास कलेक्शन नहीं था इसी वजह से एक तरह से मेकर्स ने इसे रोका हुआ था और अब फाइनली इसकी कंफर्मेशन निकल कर तो आ रही है बाकी आगे क्या अपडेट रहती है वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में